बुलेट ट्रेन का मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय रेल का प्रयास है कि बुलेट ट्रेन का पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड एक साथ कमीशन किया जाए और उसके हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है। हम ये प्रयास करते हैं कि जिस स्ट्रेच में 80 से 90% लैंड मिल जाए और जो बाकी के भी लैंड हैं 10 से 20%, उसमें भी एक सर्टेनिटी आ जाए, तभी हम टेंडर इनवाइट करते हैं, ताकि जब काम शुरू हो तो एक बार काम पूरा हो। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, कई चरणों में महाराष्ट्र सरकार से बात हुई है और उन्होंने हमको एश्योर किया है कि अगले 4 महीने में 80% से ज्यादा लैंड दे देंगे, और अगर वो अगले 4 महीनों में वो लैंड मिल जाता है और हम टेंडर कर पाते हैं तो दोनों ही फेज, चाहे वो महाराष्ट्र का बुलेट ट्रेन हो या गुजरात का हो, दोनों ही फेज एक साथ कमीशन हो जाएंगे और उसका टाइमलाइन हम तय कर देंगे एक बार जब हमको थोड़ी लैंड की क्लेरिटी हो जाएगी। तो दैट वो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हम ये भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर किसी वजह से महाराष्ट्र की लैंड एक्विजिशन में ज्यादा विलंब होता है तो उसकी भी हम प्लानिंग करके रख रहे हैं कि क्या हम पहले फेज में वापी तक, करीब 325 किलोमीटर का जो सेक्शन है, उस पे बुलेट ट्रेन चला पाएंगे, चला लें, और महाराष्ट्र में जब दूसरे फेज में करें तो वो फेज वाइज करना है या एक ही फेज में करना है, वो निर्णय हमको जब लैंड एक्विजिशन की स्थिति साफ होगी तो उसमें हमको निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन भारतीय रेल चाहती है कि दोनों फेज एक साथ हो और पूरी ट्रेन एक साथ चले।